जय शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधरणीशम रुद्रम पशुपतिमीशानम कलये काशीपुरनाथम भज बाल लोचन परमानंद श्रीनीलकंठम तोम शरणम शिव असुर निकंदन भव भय बंदन शव जग के प्रतिपाला ओम मावा गमन मिटाओ भोले शंकर भज शिव वारंबारा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। इस सप्ताह कैसा होगा आपका भविष्य, जानिए भविष्यवाणी में। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस सप्ताह लंबे समय से रुके हुए कार्यों में गतिशीलता आएगी। काम धंधे में कुछ परिवर्तन की योजना बन सकती है। सत्ता प्रतिष्ठान से कोई विशेष सम्मान प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के अंत में पारिवारिक उलझने रहेंगी। व्यापारियों का समय ठीक है। बाजार में लंबे समय से फंसे धन की वसूली भी हो सकती है। युवाओं को प्रगति के अवसर मिलेंगे। लव पार्टनर के साथ बेहतर समय बिताने का अवसर भी प्राप्त होगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुखी रहेगा। आपका शुभ अंक 1 है। शुभ दिन बुधवार है। शुभ रंग फिरोजी। सफलता का सूत्र आपके लिए धैर्यपूर्वक कार्य करें और आपके लिए उपाय है गणपति को दूर्वा एवं लड्डू चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः का जाप करें। वृषभ राशि वाले। वृष राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की अत्यधिक जरूरत है। हड़बड़ी में लिए गए निर्णयों से भविष्य में अत्यधिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। धन संपत्ति संबंधी किसी भी फैसले को लेते समय दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल रखें और बड़ों से सलाह लेना ना भूलें। सप्ताह के अंत में कार्य विशेष के पूरा होने को लेकर मन में एक शंका बनी रहेगी। कठिन समय में जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। व्यापारियों को यह समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण समय है। लेन देन करते समय अथवा शेयर बाजार आदि में धन निवेश करते समय शुभ चिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। रोजगार के लिए भटक रहे युवाओं को अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। प्रेम संबंधों में सोच समझकर कदम बढ़ाएं और मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। मुख्य वायरल से सचेत रहें। शुभ अंक 5। शुभ दिन सोमवार और आपका शुभ रंग है गुलाबी। सफलता का सूत्र जल्दबाजी से बचें। आपके लिए उपाय है तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और श्री शिव चालीसा का पाठ करें। मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह घर एवं बाहर दोनों जगह सोच समझकर कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। परिजनों से उलझने की बजाय उनकी भावनाओं को और उनकी नेक सलाह को समझने की कोशिश करें। लोग आपको और आपकी बातों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसे में धैर्यपूर्वक सही समय आने का इंतजार करें। सप्ताह के मध्य में वाद विवाद से बचें। इस दौरान व्यापारियों को कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। हालांकि डॉक्टर वकील आदि अन्य परामर्शदाताओं के लिए यह समय अपेक्षाकृत ठीक है। महिलाओं को भावुकता से बचना चाहिए और प्रेम संबंधों में कोई कदम आगे बढ़ाने से पहले खूब सोच विचार कर लेना चाहिए ताकि उनको बाद में अपने निर्णय पर पछतावा ना हो। आपके लिए शुभ अंक है 7। शुभ दिन है रविवार और आपका शुभ रंग है सफेद। आपके लिए सफलता का सूत्र हड़बड़ी से बचें। आपके लिए उपाय गायों को हरा चारा खिलाएं और ओम बुम बुधाय नमः मंत्र का जाप करें। कर्क राशि वाले।
कर्क राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह काम धंधे के नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। आलस्य अथवा अहंकार के चलते इसकी उपेक्षा करने की भूल ना करें, अन्यथा बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। सप्ताह के मध्य में किसी देव स्थान की यात्रा के भी योग बनेंगे। कानूनी विवाद में सफलता, स्थान परिवर्तन की योजना सफल हो सकती है। थोक व्यापारियों को कुछ एक उलझने बनी रहेंगी। होटल, खानपान, मनोरंजन एवं पर्यटन के कारोबारियों का समय चुनौतीपूर्ण है। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय मिश्रित फलदायक है। आपके लिए शुभ अंक है 4। शुभ दिन है रविवार और आपका शुभ रंग है बसंती। सफलता का सूत्र हिम्मत से काम लें। और आपके लिए उपाय है, सफेद वस्तुओं जैसे दूध, चावल आदि का दान करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि वाले, सिंह राशि के जातकों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। इस सप्ताह में पूरा प्रयत्न करने पर भी आंशिक सफलता मिल सकती है। काम धंधे में रुकावट या देरी के योग हैं। कोई पुरानी बीमारी भी उभर सकती है। ऐसे में हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। सप्ताह के मध्य में जमीन जायदाद एवं लाइजनिंग का कार्य करने वालों को कुछ ही कठिनाइयां रहेंगी और नौकरी पेशा लोगों पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ेगा। विरोधी आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में प्रेम प्रसंग विशेष रूप से मर्यादित रहे। आपके लिए शुभ अंक 2। शुभ दिन मंगलवार। शुभ रंग आसमानी और सफलता का सूत्र आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके लिए उपाय है, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और श्री बजरंग बाण का नित्य पाठ करें। इसी प्रकार कन्या राशि वाले, कन्या राशि के जातकों को यह सप्ताह नए अवसरों के द्वार खोलने आ रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपके काम धंधे को लेकर अनुकूल वातावरण बनेगा। इस दौरान किसी दूसरे व्यक्ति पर भरोसा करने की बजाय स्वयं प्रयत्न करना श्रेयस्कर होगा। हालांकि किसी भी सूरत में अपनी सेहत संबंधी समस्या को नजरअंदाज न करें। उपभोक्ता वस्तुओं की खुदरा व्यापारियों का समय अच्छा है। फाइनेंस, बीमा एवं विज्ञापन के कारोबारियों का समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। कठिन समय में लव पार्टनर के साथ खड़े रहने से राहत महसूस करेंगे। दांपत्य जीवन मधुर बना रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 7। शुभ दिन शुक्रवार और शुभ रंग बैंगनी। सफलता का सूत्र आलस्य ना करें। उपाय, आपके लिए उपाय है, श्री गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएं और ओम गम गणपतये नमः का जप करें। तुला राशि वाले, तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह घर एवं बाहर दोनों जगह लोगों का सहयोग मिलेगा। पूरे लगन एवं निष्ठा से कार्य करने पर आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। अरसे से अधूरे पड़े कार्य पूरे होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी वरिष्ठ एवं प्रभावी व्यक्ति से मुलाकात आर्थिक लाभ का कारण बनेगी। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ और कनिष्ठ आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ एक उलझनों के बावजूद आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और सप्ताह के अंत में परिजनों के साथ हंसी खुशी समय बिताने का अवसर प्राप्त होगा। युवाओं का अधिकांश समय मौज मस्ती करते हुए बीतेगा और प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ दिन है बुधवार। शुभ रंग है लाल और सफलता का मंत्र लापरवाही ना करें। उपाय, आपके लिए उपाय है, कन्याओं को मिठाई खिलाएं एवं श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने खान पान एवं दिनचर्या को लेकर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। सेहत संबंधी दिक्कतों की अनदेखी करने पर परेशानी झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में
जमीन जायदाद से जुड़े मामले में परिवार अथवा आस पड़ोस के लोग परेशानी पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। व्यापारियों को कारोबार में उतार चढ़ाव रहेंगे। लेखक, अध्यापक और पत्रकार एवं बुद्धिजीवियों के लिए शुभ समय है। नौकरी पेशा लोगों का गुटबाजी से बचते हुए अपने काम पर फोकस करना बेहतर रहेगा। प्रेम प्रसंग में लव पार्टनर की भावनाओं को समझें और किसी भी प्रकार की जल्दबाजी से बचें। शुभ अंक आपके लिए 5, शुभ दिन रविवार और आपके लिए शुभ रंग है कत्थई। उपाय, श्री गायत्री मंत्र का जप करें। धनु राशि वाले, धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह आलस्य से बचने की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी। आज का काम कल पर टालने की आदत से बचते हुए इस सप्ताह पूरे मनोयोग से अपने कार्य को करें, अन्यथा हाथ आया अवसर निकल सकता है। इस सप्ताह विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों को कुछ एक कठिनाइयां रहेंगी। किसी भी सूरत में अपनी भावनात्मक दुर्बलता को प्रकट ना होने दें, अन्यथा दूसरे उसका अनुचित लाभ उठा सकते। नौकरी पेशा लोगों का यह समय मिश्रित फलदायक है। प्रेम प्रसंग में खींचतान से बचें। आपके लिए शुभ अंक 4, शुभ दिन गुरुवार, शुभ रंग सुनहरा और सफलता का सूत्र गलत फहमियों से बचें। उपाय, केला के पेड़ के नीचे घी का दिया जलाएं और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जप करें। मकर राशि वाले, मकर राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह घरेलू समस्याओं के समाधान हेतु योग बनेंगे। मन को शांत रखते हुए प्रयास करने पर लंबे समय से चले आ रहे बड़े विवादों के हल खोजने में कामयाब हो सकते हैं। किसी महिला मित्र की मदद से अटके कार्य पूरे होंगे। किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करने की शुरुआत करने पर खूब सोच विचार करें। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें। खान पान में विशेष ध्यान रखें। इस दौरान थोक व्यापारियों को कुछ उलझने रहेंगी। कठिन समय में लव पार्टनर अथवा जीवन साथी का पूरा साथ मिलेगा। आपके लिए शुभ अंक है 6, शुभ दिन है शुक्रवार, शुभ रंग है नारंगी और आपका सफलता का सूत्र है अपना संतुलन बनाए रखें। आपके लिए उपाय है छाया दान करें और ओम सम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। कुंभ राशि वाले, इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों का अधिकांश अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बीतेगा। पारिवारिक अथवा जमीन जायदाद संबंधी समस्याओं का हल निकालने के लिए लंबी या छोटी दूरी की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। फल, सब्जी, खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं के व्यापारियों के लिए अच्छा समय है। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में प्रगति के अवसर बन सकते हैं। सप्ताह के मध्य में संतान को लेकर कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं। इस दौरान कई प्रकार के काम एक साथ आ जाने से मन थोड़ा बेचैन भी हो सकता है। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आपके लिए शुभ अंक है 4, शुभ दिन शनिवार, शुभ रंग जोगिया। सफलता का सूत्र निष्ठापूर्वक कार्य करें और उपाय, जरूरतमंदों की सेवा करें, श्री हनुमान जी की उपासना करें। मीन राशि वाले, मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने कार्यों के परिणाम प्राप्त करने में थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। किसी भी सूरत में अपनी हिम्मत एवं धैर्य बनाए रखें। सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। करियर, कारोबार संबंधित कोई बड़ा निर्णय सोच समझ कर लें। व्यापार में धन निवेश या कोई बड़ा जोखिम उठाने से पहले शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य लें। सप्ताह के मध्य में किसी धार्मिक यात्रा के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत में महिलाओं को पारिवारिक उलझने रहेंगी। प्रेम संबंधों में उपजी गलत फहमियों को किसी तीसरे की मध्यस्थता की वजह स्वयं आपस में बैठकर दूर करने से आपकी बात बच जाएगी।
आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ दिन सोमवार, शुभ रंग बैंगनी और आपका सफलता का सूत्र निष्काम भाव से कर्म करें। उपाय, भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल एवं फल चढ़ाएं और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आज के लिए इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगले एपिसोड में भविष्यवाणी के साथ।